गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का अभी बज रहा है 8 और अभी मैं हूँ गैरेज में। आप लोग देख सकते हैं विजय लक्ष्मी का एक गाड़ी आया है यहाँ पर काम करने के लिए। दोस्तों मेरी गाड़ी का ना पूरा हुलिया ही पूरा एकदम बिगाड़ के रख दिए हैं और क्या बताएं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एक पूजा ट्रैवल्स का भी गाड़ी है, इसका भी ना दोस्तों सीट का अंदर काम चल रहा है। नीचे मैटिंग वगैरह डालने का था और जो प्लाई था ना वो भी सड़ गया था, तो इसका प्लाई डाल रहे हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों मेरी गाड़ी का जो लुक कुछ इस प्रकार हो गया है, पूरा जैसा लग रहा है भाई ये पूरा आजम के ज़माने का गाड़ी हो चुका है। पूरा एकदम मारे इसका हुलिया ही चेंज हो गया है। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ, मेरा जो शो है ना वो यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों मेरी गाड़ी के जो शो है ना थोड़ा टचअप था, इसके लिए ना ये फाइनल हुआ कि इसको नया जो शो ही डाल देते हैं। इसके लिए ये मेरा नया शो आके यहाँ रखा है। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ना दोस्तों पूरा एकदम जैसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन का गाड़ी यहाँ पर खड़ा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मुकेश यहाँ पर खाना बना रहे हैं और थोड़ा बहुत और मेरी गाड़ी में टचअप वगैरह बाकी है तो सब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों गैरेज चालू होने से पहले हम लोग ने सोचा कि खाना वगैरह बना लेते हैं ताकि धूल मिट्टी ना उड़े और खाना बनाने में दिक्कत ना हो। सब्जी चावल बन चुका है और रोटी अभी बनाने का है। और इसी बीच में मैं आपको दोस्तों चलिए गैरेज में और बहुत सारी भी अपने पहचान की गाड़ियाँ आई हैं तो देखते हैं क्या क्या किस किस गाड़ी में काम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। और गाड़ी का तो मेरे भाई पूरा ऐसी तैसी कर दिए हैं, पूरा हेडलाइट वगैरह नोच के अलग जगह रख दिए हैं। साइड में थोड़ा बहुत टचअप है, इसको भी करना है। ये देखिए साइड में भी थोड़ा बहुत टचअप है। ये कलर जो चिकन पट्टी का रहता है भाई ये छूटता ही नहीं। और यहाँ पर देखिए ये रहा गैरेज का कुछ ऐसा लुक है। और चलिए आपको दिखाते हैं, ये सीट वगैरह सब उखाड़ के रखा हुआ है, मेरा शो यहाँ पर पड़ा हुआ है। चलिए दिखाते हैं, ये रहा यहाँ का कुछ रैग वगैरह निकाल के, कोई गाड़ी वाले को यानी कि निकालना रहता है तो निकाल के यहीं पर रख दिए, बाकी जब बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो वो लेके जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों उदयगिरी का एक गाड़ी आया, ये थोड़ा एक्सीडेंट सुबह सुबह में एक्सप्रेस पे हो गया है शायद, इसके आगे का लेफ्ट साइड का शो में थोड़ा आ गया है, डैमेज हो गया है। और यहाँ पर देखिए एक स्वामी का भी गाड़ी आ रहा है गैरेज में, आप लोग देख सकते हैं इसका भी होएगा कुछ काम। और यहाँ पर देखिए मेरी गाड़ी का पीछे का कुछ लुक, यहाँ पर भी थोड़ा टचअप वगैरह बाकी है तो इसका भी टचअप करना है। ये देखिए नीचे के साइड में थोड़ा टूटा हुआ है क्योंकि लंबा गाड़ी है दोस्तों, फुग्गा गाड़ी है तो पीछे का ना कहीं टच ही हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों सामने से आ गया है स्वामी का गाड़ी, देखिए कहाँ पे लगता है भाई, क्या काम है इसका, देखेंगे जानने की कोशिश करेंगे। बाकी जो जो और गाड़ी लगा है चलते हैं देखते हैं। और ये रहा दोस्तों यहाँ पर आ गई गाड़ी और ये रही। और अब चलते हैं, मैं आपको दूसरी गाड़ी महालक्ष्मी वाली गाड़ी दिखाता हूँ। ये रही दोस्तों महालक्ष्मी वाली गाड़ी, यहाँ पर आके खड़ी हुई है। ये रहा कुछ ऐसा लुक इसका। और दोस्तों ये ना इसका तो कन्फर्म नहीं है बट इस पर ना कलर मारने का है, लांबी वगैरह देख लीजिए, लांबी वगैरह मार के ओके लगभग हो चुका है। और इस गाड़ी में ना कल से ही कलर मारा जा रहा है, दोनों यानी कि एक ही सेट का गाड़ी है एसपी ट्रेवल्स का, पीछे एसपी लिखा हुआ है। इसमें ना दोपहर को ही कलर वगैरह मारा जा रहा था, ये पट्टा वगैरह यहाँ पर मार दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक वैनिटी वैन भी आई है, आपको दिखाता हूँ मैं वैनिटी वैन का लुक। ये कुछ कलर मार के हो चुका है, थोड़ा बहुत और रहेगा इसका स्टिकर वगैरह मारने का। और दोस्तों ये रहा देखिए वैनिटी वैन भी यहाँ पर आई है, जस्ट इसके बाजू में आप लोग देख सकते हैं ये इनोवा पे ना भाई बहुत ज़बरदस्त स्टिकर मारा गया है, कितना यानी कि अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम एंग्री टाइप में, एकदम शेर जो है एकदम गुस्से में है फुल एकदम। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो उदयगिरी का गाड़ी जो एक्सीडेंट होके आया वो यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, रोटी भी बनाने का है। तो दोस्तों रोटी बना के ना हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों मैं ना आपको अगली वीडियो में ना अपने जो हमारी गाड़ी है ना उसकी उस गाड़ी का जो फाइनल लुक है ना वो आपको अगली वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो हमारी गाड़ी जो है उसका फाइनल लुक कैसे लगता है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर हमारे वीडियो पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में ना इसका दिखाऊंगा कि कितना काम हुआ है या फाइनल हो जाएगा तो फाइनल लुक भी दिखा दूंगा। बम्पर तो यहाँ पर पड़ा ही है,
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।